अनाउंस किया कि जी 8.5 करोड़ रुपया जो है बीसीसीआई ने दिया है टू द इंडियन ओलंपिक कंटेंजेंट, जो भी वो किसी चीज में भी वो खर्च करेंगे, मतलब जिस तरह भी करेंगे, लेकिन 8.5 करोड़ की मतलब बीसीसीआई ने अपने पैसे निकाल के दिए हैं इंडियन ओलंपिक कंटेंजेंट को। तो ये चीज होती है यार। एक इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है, बीसीसीआई ने भी तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपया अपने एथलेटिक फेडरेशन को दिया है, कि उनके एथलीट्स को दिया है। तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी है काम, $12 मिलियन 11.5 मिलियन डॉलर आप सिर्फ ओलंपिक पे, और इसमें 8.5 करोड़ बीसीसीआई ने अलग से भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया हुआ। तो भाई ये तो होगा, मेडल तो आएंगे। अभी भाई ऐसे दिया जाता है अपने एथलीट्स को सम्मान, और ऐसे की जाती है अपने एथलीट्स की इज्जत। बीसीसीआई जो कि क्रिकेट बोर्ड है, उसने ओलंपिक्स के लिए, पेरिस ओलंपिक्स उसके लिए 8.5 करोड़, इंडियन उम्मीद जो कम अज कम पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए बनते हैं, वो अपने एथलीट्स को गिफ्ट किए हैं कि भाई आप वहां पर आप पैसे का ना सोचें। अब उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कोविड के डेज से, तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ, और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अर्शद नदीम इन कंपैरिजन में वो गाँव भेज दिया गया, और गांव में ना को फैसिलिटीज, और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे। जो ओलंपिक फेडरेशन थी पाकिस्तान, उसका बजट 2 करोड़ था। मतलब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इतना पैसा इनके पास है जो ये मतलब उड़ाते रहते हैं पैसा, ठीक है ना, मतलब बेकार प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप थोड़ा सा अपने बजट में से सालाना निकालें फॉर नदीम अर्शद एंड सम अदर एथलीट्स के, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग ये कर सके, प्रॉपर कोचिंग ले सके, तो इनका चांस बढ़े कि ये ओलंपिक लेवल पर जाके कुछ मेडल्स वगैरह जीते पाकिस्तान के लिए। अब आप देखें यार, वही चीज की बीसीसीआई है। इसके लिए जय शाह ने भाई जो इकदाम उठाया, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। हालांकि जय शाह के बारे में कई बातें होती हैं कि यार ये है वो है, 18 के पास है जो ये मतलब उड़ाते रहते हैं पैसा, ठीक है ना, मतलब बेकार प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप थोड़ा सा अपने बजट में से सालाना निकालें फॉर नदीम अर्शद एंड सम अदर एथलीट्स के, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग ये कर सके, प्रॉपर कोचिंग ले सके, तो इनका चांस बढ़े कि ये ओलंपिक लेवल पे जाके कुछ मेडल्स वगैरह जीते पाकिस्तान के लिए। अब आप देखें यार, वही चीज की बीसीसीआई ने, बीसीसीआई जय शाह ने आज अनाउंस किया कि जी 8.5 करोड़ रुपया जो है बीसीसीआई ने दिया है टू द इंडियन ओलंपिक कंटेंजेंट, जो भी किसी चीज में भी वो खर्च करेंगे, मतलब जिस तरह भी करेंगे, लेकिन 8.5 करोड़ की मतलब बीसीसीआई ने अपने पैसे निकाल के दिए हैं इंडियन ओलंपिक कंटेंजेंट को। तो ये चीज़ होती है यार। हमारे वहाँ तो वो बेचारे वो मतलब वैसे ही जा साथ तो एथलीट जा रहे हैं, अब उनका भी पुरसान हाल कोई नहीं है, किसी के साथ कोच है, किसी का कोच नहीं है, अगर है भी तो वो लोकल कोचेज हैं, और कोई मतलब वैसे पैसे बहुत धड़ाधड़ पैसा जो है वो मतलब जिन स्टेडियम्स की रेनोवेशन की जरूरत भी नहीं है उन पे भी रेनोवेशन हो रही है, मतलब अरबों रुपया खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है बेकार चीज़ों पे, लेकिन एक नेशनल इंटरेस्ट में आप एक नदीम अर्शद के लिए मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ देख ले जय शाह ने करके दिखा दी। 1947 से पाकिस्तान उसके बाद जितने ओलंपिक्स आते रहे पार्टिसिपेशन करता रहा, लेकिन सिर्फ 8 तमगे ही हासिल कर सका। भारत के 30 से ज़्यादा तमगे हैं, लेकिन जो कंपैरिजन सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है और जो कुछ हमारी रिसर्च भी, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स बजट है वो तकरीबन 6.83 मिलियन भारत का स्पोर्ट्स बजट 411 मिलियन है। यही वजह है कि अब उनके 112 एथलीट पेरिस ओलंपिक में शरीक हो रहे हैं और हमारे सिर्फ 7, और हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है 350,000 मतलब 350 कह लें कि हमारे पास एथलीट के लिए जो है वो बजट मौजूद है 3,50,000 अगर आप बोलें, और जो भारत के पास 11.48 मिलियन उन्होंने अपने एथलीट्स के लिए जो है वो बजट मुख्तस किया हुआ है। बड़े सवालात उठते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कि उनके पास तरक्याती बजट नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट का काम है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर क्या रहा है इतने अरसे से, बात पे भी अपना सर पीटा था कि हमारा जो बजट भी मौजूद था ना, वो बजट भी खर्च हुए बगैर स्पोर्ट्स बोर्ड से वापस 8 मिलियन का सिर्फ बजट। जी बिल्कुल, पिछले साल भी रिवर्स हुआ था, तो इस साल भी इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो इकदाम करने चाहिए वो इकदाम नहीं कर रहे। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है, बीसीसीआई ने भी तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपया अपने एथलेटिक फेडरेशन को दिया, कि उनके एथलीट्स को दिया है। तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी, तो हमारे जो एथलीट हैं वो कंपीट ही नहीं कर पाते, उनके पास पैसे ही नहीं होते जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो मुख्तलिफ कंपटीशन में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। दूसरी आप ये देखें इस मुल्क के साथ ज्यादती कि जो बजट है वो इस्तेमाल हुए बगैर वापस जाता ही। आप साल का इंडिया का बजट है
411 मिलियन स्पोर्ट्स का और पूरे साल का पाकिस्तान का है जनाब 6.83 मिलियन डॉलर्स। आपका 411 मिलियन डॉलर, हमारा 6.83 मिलियन डॉलर। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ ओलंपिक में 117 एथलीट और जो बाकी है उनकी पार्टिसिपेशन के लिए 11.48 मिलियन तकरीबन 11.5 मिलियन डॉलर रखे हैं ओलंपिक पार्टिसिपेशन के लिए, और पाकिस्तान ने 3.5 लाख डॉलर 7 एथलीट्स के लिए 3.5 लाख डॉलर में। अब आप जीत सकते हैं तो जीत लें।